different light. White noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन गर्ल्स श्रेया, और मैं हूँ श्रेया। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ टेरिस से। तो मैं अभी छत पे आ गई हूँ सिम का पौधा देखने के लिए, क्योंकि सिम उगा है कि नहीं। तो यहाँ पर तो फ्लावर तो बहुत आ गए हैं, लेकिन सिम नहीं आया है अब तक। तो ये देखिए कितना सारा फ्लावर आ गया है। ओ शिट, ये देखिए सिम भी आ चुका है एक छोटू सा। इसे तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मैं सिम लेने के लिए छत पे आई थी। तो एक मुझे मिल गया है और देखती हूँ। और ये देखिए एक ये आया है, क्या बोलते हैं, पंपकिन आया है एक छोटू सा। सीम तो एक मिला है मुझे, कि पूरा सीम गाछ का, यानी कि सीम का जो पौधा है पूरा फैल गया है छत पर। तो चलिए मैं सीम खोज लेती हूँ, ढूंढ लेती हूँ। देख पा रहे हैं ना मुझे? Skies of a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. अंदर अंदर में ना बहुत हुआ है, देखिए इस जगह पर, इस जगह पर देख पा रहे हैं हुआ है। लेकिन मैं जाऊं कैसे उसका अंदर में? अभी तक तो मुझे इतना मिल गया है, देखिए इतना मिला है, छुट गिर भी गया। देखते हैं अंदर जाने का कोशिश करते हैं। ओ माय गॉड, अंदर देखिए क्या होकर रखा हुआ है, कचरा होकर रखा हुआ है पूरा। इतना तो मिल गया है, और दो से तीन मिल जाता तो अच्छा होता। Keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know. चलिए नीचे चलते हैं, जितना मिला है इनफ। बहुत धूप है ऊपर से छत पे, जितना मिला है यही से काम चलाना पड़ेगा। रुकी, मैं लॉक कर देती हूँ दरवाजे को। अभी देखिए टाइम बहुत लेट भी हो चुका है, और सुमित तो चले गए हैं काम पर, लेकिन वो मुझे बाजार करके नहीं देखे गए। तो एक छोटी सी लड़की है जिनका पापा यहाँ पर सब्जी बेचते हैं, तो उनका छोटी सी लड़की मुझे सब्जी देके गया है। ये देखिए, ये देखे गए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या लेके आए हैं। तो थोड़ा सा अपने देख भी लिया है झाँक कर, ये सूखी मछली भेजा है। तो रेसिपी आज सुनिए, पहले बता देती हूँ मेरा रूम मेसी नहीं है। हाँ किस तरह से बता रही हूँ, धमकी जैसे। और कुछ देर पहले ना मेरा तबीयत बहुत 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 खराब लग रहा था, वॉमिटिंग फील हो रहा था मुझे, तो मैंने पानी पिया। उसके बाद भी थोड़ा सा रिलीज नहीं हुआ, उसके बाद अजवाइन खाया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर जाकर मैंने बाबू को कॉल किया, उसने बोला बाबू मेडिसिन रखा हुआ है तुम खा लो। फिर मैंने ये गैस का जो मेडिसिन है ना,
तो गैस हो गया है मुझे, इसीलिए मैंने ये देखी ये वाला, तो ये बहुत अच्छा होता है, खाली पेट खाना चाहिए। और मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाती हूँ, 2 से 3 दिन हो गया है ब्रेकफास्ट कर नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत लेट करके उठती हूँ। दूसरी बात ये है कि सुमित ब्रेकफास्ट नहीं करते है ना, तो मुझे खाने में अच्छा नहीं लगता। वो तो बाहर खा लेते हैं लेकिन मैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है उनके बिना खाना। फिर मैं ऐसा ही होता है मेरे साथ हमेशा, तो ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ ना, 2 से 3 दिन हो रहा है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है। ऊपर से काम थोड़ा ज्यादा ही आ गया है और मैं सो रही थी ना, इसीलिए थोड़ा सा कुशन इधर उधर होकर रखा हुआ है। वैसा कुछ मेसी भी नहीं है मेरे बेडरूम, ठीक है। सोचना नहीं कि श्रेया काम नहीं करती है, गंदा करके रखती है। सिर्फ देखिए इस तरफ जो पानी का बाल्टी है और जो राइस है, मैंने राइस बना लिया है, और जो ब्रेकफास्ट करके गए सुमित, घुगनी नहीं खाया आज ब्रेकफास्ट में उन्होंने, तो मैंने कुछ नहीं खाया, तो इसीलिए थोड़ा सा वीकनेस हो रहा है। और ऊपर गई थी सीम लाने के लिए, एक रेसिपी बनाऊंगी तो इसीलिए। तो चलिए, बहुत सारे बातें कर लिया मैंने, सबसे पहले मैं सब्जी को कट कर लेती हूँ, उसके बाद आपके साथ मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। राइस मैंने चढ़ा दिया है, सुमित अभी जस्ट आया था ये पानी का जार देने के लिए, ये वाला सील है, अभी इसको कितना ताकत लगता है इसे खोलने में, माय गॉड मेरा नेल्स ना खराब हो जाए, देखिए बहुत ताकत लगता है इसे खोलू, खुल पाया, खुल जा यार, खुल जा रही भाई, पानी नहीं पी पा रही हूँ मैं, कल खत्म हो चुका था रात शाम के वक्त ना, ये पानी का जार खत्म हो चुका था, मेरा नेल खराब हो जाएगा क्योंकि किसी और चीज से खोलने का कोशिश करती हूँ, इससे गॉड मैं इसे काट ही देती हूँ। अरे हट भाई, तू हट पहले, बाप रे खुल गया। अभी हम सब कुछ गिर रहा है, तो अभी हम इसको इसमें जस्ट ऐसे स्पेस कर देंगे। पापे ये खत से नहीं हो रहा है कितना बार पापा तो याद कर लिया मैंने, रुको अब जाके लगा, अभी पानी भरू पहले, पानी नहीं पी पा रही हूँ कल से मैं, फाइनली मैंने पानी भर लिया, राइस मैंने चढ़ा दिया है, आज मैं सूखी मछली का झाल बनाऊंगी। ये देखिए पानी में भिगो कर रख दिया मैंने, इसे अच्छे से क्लीन करना है। ऑनियन और टमाटर देके मैं झाल बनाऊंगी इसका, सूखी मछली का। और राइस मैंने चढ़ा दिया है ऑलरेडी, और इस बीच में सुमित आ गया था, पानी का जार भी देके गया है, पानी भी मैंने पी लिया है,
उसके बाद अभी बाकी का काम करूंगी, जैसे कि थोड़ा सा बेडरूम को झाड़ू लगा लूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना, सुमित आया था तो थोड़ा सा डस्ट डस्ट जैसे फील हो रहा है। अगर चल रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है धूल है ऐसा लग रहा है मुझे, तो फिर से मैं रूम को अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। अभी 12:05 हो चुका है, लेट हो चुका है बहुत ही, क्योंकि फटाफट से खाना बनाना है और क्या देखे गए हैं, और क्रीम चीजी देखे गए हैं मुझे, क्योंकि नहीं था बहुत। यहाँ पर एक फायदा है यहाँ पर कि सब कुछ मिल जाता है फेस फेस, देख के क्रीम चीली आलू आप देख पा रहे हैं ना। हाँ तो ग्रीन चिली देखे गए हैं, तो चलिए फटाफट से मैं बेडरूम को झाड़ू लगा लेती हूँ, ठीक है। और ये जो गमछा मैंने यहाँ पर टंगा के रख दिया, इसको भी दूसरी जगह शिफ्ट कर देती हूँ। और रूम के अंदर मैं ना ऐसे रस्सी टंगा के रख देती हूँ, क्योंकि जब कपड़ा सूखता नहीं है ना, तब पंखे के नीचे मैं यहाँ पर फैन के नीचे मैं कपड़ा दे देती हूँ, तो सूख जाते हैं। तो मेरा तो कपड़ा सूख रहा है अच्छे से, इस रस्सी का कोई जरूरत नहीं है, तो इसको खोल देती हूँ। बरसात के दिन में ना ये सब लगता है, तो ये तो मेरा हो चुका है खोलना, इस साइड का भी खोल देती हूँ। इसको भी अच्छे से मैं रख देती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ, ठीक है। White noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. गई थी, राइस का फैन निकल रहा था यानी कि गिर रहा था, तो झाड़ू लगाते लगाते उसका स्मेल आया, मैं भाग के गई, वो धीमी कर दिया गैस को, फिर अभी आ गई हूँ झाड़ू लगाने। और देखा ना कितना डस्ट निकला, मेरा सच सही था कि वो जब आया ना उसके पैरों के साथ गंदगी आ गया बेडरूम में, तो झाड़ू लगा देगी कितना गंदगी निकला, अभी साइड से कितना निकलेगा पता नहीं। Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard.
took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home. बाहर का झाड़ू भी लगाना हो चुका है और मैंने कहा था ना कि फिर मेरा राइस हो चुका है, तो बाद में पता चला कि राइस थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, तो रात के लिए मुझे अभी बनाना पड़ेगा क्योंकि आज है क्लास मेरा, तो इसीलिए मुझे याद नहीं था कि आज मेरा क्लास है, इसीलिए जल्दी जल्दी से मैंने राइस चढ़ा दिया है। अभी मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए, सूखी मछली का झाल बनाऊंगी, तो बेबी सा ये आपके साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि अभी 12:30 बजने वाले हैं, तो लेट हो जाएगा अगर ब्लॉग शूट करते हुए ये काम करूंगी तो। तो चलिए मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, ठीक है, और बेडरूम थोड़ा सा मैंने सही कर लिया है, अब जाकर मेरा बेडरूम थोड़ा सा क्लीन, नीट एंड क्लीन लग रहा है ना। हाँ, तो इस साइड में लाइट जला लेते हैं, और ये कॉर्नर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये चेरी फ्लावर है ना, इसीलिए मुझे चेरी फ्लावर बहुत पसंद आता है क्योंकि इसका कलर कितना सारा आता है, ब्लू आता है, पिंक कलर आता है, उसके बाद व्हाइट वाला बहुत सुंदर लगता है लेकिन बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है ये एकदम फेड कलर। और मैंने थोड़ा सा रेडी होकर अभी ब्लॉग शूट कर रही हूँ कुछ दिनों से क्योंकि टाइम मुझे मिला है, इसीलिए जिस दिन मुझे टाइम नहीं मिलता है, मन नहीं होता है, तो उस दिन मैं पूरा डल दिखती हूँ। और आप सबने बहुत मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं मेरे लुक के ऊपर, तो इसीलिए आप सभी को मेरे दिल से थैंक यू। और सभी लोग मुझे बोलते हैं ब्यूटीफुल, तो थोड़ा सा और ब्यूटीफुल देखने के लिए मैं थोड़ा सा तैयार होकर ब्लॉग शूट करती हूँ, ये सच बात है। अगर कोई नहीं बोलता ना तुम गंदी दिख रही हो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तारीफ लड़कियों को सुनने को मिल जाए ना, लड़की का तो चांद चांद लग जाता है, लगता है कि नहीं बताना। और कोई तारीफ थोड़ा सा भी कर लेना आपको अच्छा ऐसा लगता है कि हमेशा आप तैयार होकर ब्लॉग को शूट करें। पहले ना सुमित मुझसे बहुत चीते थे इसी बात के ऊपर कि बाबू तुम तैयार क्यों नहीं होते हो, तुम ऐसे हमेशा ऐसे ऐसे डल क्यों दिखती हो, ऐसे बोलते थे, फिर मैं मन नहीं होता था। और हाँ, ये जो मेरा होम थिएटर है ये खराब नहीं हुआ है, अभी सही है। अभी टीवी में जैसे कि मैं अभी एडिट करती हूँ तो इसीलिए मुझे अभी होम थिएटर को मैंने खोल दिया, जब एडिटिंग करती हूँ ना उसका वॉइस हर तरफ इको होता है, तो एडिटिंग करने वगैरह समझ सकते हैं ना, अगर वॉइस को सब कोई सुन ले कैसा लगता है एडिटिंग करने के लिए, इसीलिए मैंने बाबू को कहा बाबू इसे खोल दो, मुझे नहीं चाहिए होम थिएटर में, मेरा एडिटिंग करती हूँ तो बहुत जोर से होता है। तो मैंने सोचा है कि एक एयरफोन ले लूँ, हेडफोन वाला, तो अभी नहीं होगा परचेस, बाद में होगा क्योंकि आपको बताया था ना दिवाली के धनतेरस में हम स्कूटी लेने वाले हैं, तो वो इसी के लिए ना हम कभी कभी जाते हैं शोरूम पे, हम लोग ने चूज कर लिया है फाइनली, लेकिन हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, फिर फादर लो ने कहा कि नहीं मुझे ये कलर का नहीं चाहिए, ये कलर का चाहिए, तो वो कलर का अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों को ऑर्डर करके लाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग का थोड़ा सा लेट हो रहा है, और लेट हो भी अच्छा है क्योंकि धनतेरस में हम लेने वाले हैं, मुझे बहुत मन है धनतेरस में घर के कुछ अच्छा चीज लूं, इसीलिए तो अगले साल तो नहीं हो पाया था, कुछ रीजन था, क्या हुआ था मुझे याद नहीं है, लेकिन ले नहीं पाई थी, लेकिन इस साल मैं सोच रही हूँ धनतेरस में वो स्कूटी लूं। तो चलिए मैं बाकी का काम कर लेती हूँ, यानी कि लंच बना लेती हूँ, और आई होप सुमिता जल्दी आ जाएंगे घर, तो इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी से खाना बनाना पड़ेगा। तो चलिए मिलती हूँ कुछ देर के बाद।